देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। भाजपा की पहली सूची में प्रमुख नेताओं के नाम शामिल होंगे जिनके टिकटों पर किसी तरह का संशय नहीं है। इस सूची में कई प्रमुख नाम शामिल हो सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 सितंबर से विधानसभा के शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। आज सुबह 11 बजे पंजाब सिविल सचिवालय 1 की दूसरी मंजिल पर कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले 14 अगस्त को सीएम मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। बिहार में 750 करोड़ की लागत से बना स्पोर्ट्स अकेडमी पूरी तरह से तैयार है, जिसका उद्घाटन आज सीएम नीतीश कुमार के हाथों किया जाएगा। बता दें कि खेल अकादमी के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य सुविधा प्रदान कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जन दर्शन आज स्थगित रहेगा। मुख्यमंत्री हर गुरुवार जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं, लेकिन व्यस्तता की वजह से इस सप्ताह जन दर्शन नहीं होगा। आज एकादशी का व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल आज यानी कि 29 अगस्त को अजा एकादशी है। बता दें कि एकादशी आज 1:19 से 30 अगस्त को 1:37 तक है। यात्री यातायात क्लियर करने के लिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अयोध्या कैंट के मध्य ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल, बीना स्टेशन पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आज राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। आज के दिन ही राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। शिक्षा विभाग के नए ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर VC की बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग ने आज भी यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में यूनिवर्सिटी के वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय खर्च की समीक्षा की जाएगी। रियलमी भारत में आज रियलमी 135G और रियलमी 13 प्लस 5G सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। बता दें कि ब्रांड पहले से ही रियलमी 135G सीरीज स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख फीचर्स का खुलासा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मानसून मेहरबान है। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी में आज अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। IMD ने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1612 में सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। आज ही के दिन 1905 में भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1957 में कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था। आज ही के दिन 1974 में चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोक दल पार्टी स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1998 में सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।